इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के कई इलाकों को टारगेट कर रूस की सेना ने एक बार फिर ड्रोन से हमले किए। रूस का दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने इन हमलों के लिए ईरान के खतरनाक शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया और ज़ापोरिज़्या में यूक्रेनी सेना के लॉन्च पैड पर हमला कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने ओडेसा में भी ड्रोन से हमले किए। दोनों जगहों पर यूक्रेन की सेना को नुकसान होने का दावा किया गया। यूक्रेन का ज़ापोरिज़्या वो इलाका है जिसके कुछ हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है। वहाँ पुतिन की फौज ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए। वहीं बाकी बचे हिस्से पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों ने एक बार फिर हमले तेज कर दिए। वहीं पुतिन का प्लान पूरे ओडेसा पर कब्जे का भी है, इसलिए दोनों जगहों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए गए। इधर भारत की जनगणना से जुड़ा नया बिल अगले संसद सत्र में लाया जाएगा। दिल्ली में जनगणना भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए जनगणना बिल के बारे में जानकारी दी और बताया कि ई जनगणना के तहत 100% सही जनगणना की जाएगी। गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज्यादा सरल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का फैसला किया। गृह मंत्रालय का दावा है कि इस कानून के आने के बाद जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में आसानी होगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। उधर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि आरोप है कि ईडी एनसीपी के नेताओं को जानबूझकर परेशान कर रही। राष्ट्रवादी असल में एनसीपी के नेता जयंत पाटिल को ईडी ने एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और इसीलिए एनसीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस बीच 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तेज हो गई, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार और राहुल गांधी शामिल हुए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सियासी समीकरण बदलते नजर आए, जिसकी एक झलक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दिखी, जहां नीतीश कुमार और ललन सिंह पहुंचे और खड़गे के घर पर 2024 की तैयारियों के लिए मंथन हुआ। खबर आई कि बैठक में राहुल भी पहुंचे। बैठक खत्म होने के बाद जेडीयू ने संकेत दिया कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए बहुत जल्द एक बड़ी बैठक होने वाली है। ये एक से दो दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा मीटिंग कहां होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को एकजुट करने की नए सिरे से कोशिश शुरू हो गई, क्योंकि पूर्वोत्तर चुनाव के बाद कांग्रेस से नाराज दिखने वाली ममता का रुख नरम पड़ा। माना जा रहा है कि नीतीश ने भी मौसम का रुख देखते हुए खड़गे से इस बारे में बात की और 2024 में विपक्ष को एक करने की नई पहल कर डाली। इधर द केरल स्टोरी फिल्म विवाद में अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कूद पड़े। असल में मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित उनके दरबार में केरल की एक महिला पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने बाबा बागेश्वर को यह बताया कि वो केरल से है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उससे द केरला स्टोरी फिल्म के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने उस महिला से फिल्म से जुड़े कुछ सवाल पूछकर फिल्म की सच्चाई जानने की कोशिश की। इसका मतलब द केरला स्टोरी सत्य है? हाँ, कुछ सत्य है, कुछ उसमें एडिट है। उस महिला से सवाल करने के बाद बागेश्वर बाबा ने उसकी पर्ची भी बनाई। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द केरल स्टोरी फिल्म के समर्थन में उतर आए और उन्होंने कह दिया कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है फिल्म में वही दिखाया जा रहा है।